जय सियाराम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 10:15 के अराउंड, थोड़ी लेट पढ़ना शुरू किया था आज मैंने। तो सबसे पहले किया रीजनिंग मीन्स का आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले किए थे 2 क्वेश्चन डाटा सफिशेंसी के, दोनों ठीक बनाए थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के किए थे, जिसमें से एक बना था मेरे से, एक समझ में नहीं आया था। फिर उसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया था, बन गया था। और उसके बाद एक ये पज़ल थी, ये मेरे से नहीं बनी थी। एक बार ये मेरे पास बुक में भी आई थी, अड्डा की पब्लिकेशन की बुक में भी आई थी, उस टाइम भी मेरे पास ये नहीं बनी थी। ऐसी ही थी, मतलब डिट्टो ऐसी नहीं थी, पर इसी जैसी थी। उसके सॉल्यूशन भी मैंने 2-3 बार समझने की कोशिश करी थी, बट समझ में नहीं आया था। तो आज सर ने समझाया, तो आज क्लास से तो मेरे समझ में आ गया था। फिर उसके बाद मैंने एक क्विज अटैम्प्ट किया था रीजनिंग का, 16.5 स्कोर रहा उसमें। इसमें सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे। फिर उसके बाद मैंने अर्थमेटिक की क्लास करी हर्षल सर की, 191 to 240 वाले क्वेश्चंस थे जिसमें, वो 50 क्वेश्चंस मैंने बैठ के सोल्व किए। उसके बाद फिर मैंने लंच किया, थोड़ी लेट हो गया था क्योंकि वैसे मेरे को भूख नहीं लग रही थी, और फिर मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन कंप्लीट करके ही उठी थी। लंच किया और उसके बाद फिर नैप लिया था। फिर सो के उठने के बाद मैंने जलजीरा पानी बनाया था अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, जलजीरा पानी पिया। और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया इंग्लिश का, इंग्लिश में निमिषा मैम से आज के एडिटोरियल का लेक्चर देखा। और उसके बाद फिर मैंने एक परफेक्शन की क्लास लगाई थी निमिषा मैम की। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स का किया था, 16 जून के करंट अफेयर की पीडीएफ आज रीड करी थी, और 15 जून के करंट अफेयर के पीडीएफ पे बेस्ड मैंने आज टेस्ट दिया था। और 15 जून वाली की मेरी अच्छे से रिवीजन नहीं हुई थी, तो मैं उसमें अच्छे से अटैम्प्ट ही नहीं करे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए। और 17 अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरा स्कोर था 14.5 out of 20। फिर शाम को गई मैं इवनिंग वॉक पे, और आज का इवनिंग व्यू कुछ ऐसा था। उसके बाद आके फिर मैंने करंट अफेयर से किए थे दोबारा से, क्योंकि मैं बीच में रह गए थे, मेरे आधी पीडीएफ ही हुई थी, तो आधी पीडीएफ मैंने इवनिंग वॉक पे से आके कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने एक मॉक अटैम्प्ट किया था RRBPO का, जो ओलिव बोर्ड पर लाइव था, उसमें मेरे बहुत ही कम अटैम्प्ट हुए थे, 51 ही अटैम्प्ट हुए, और जिसमें से भी 4 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए थे। इतना ही किया बस आज, और ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट, और आज के टोटल स्टडी आवर्स थे मेरे 8.25 घंटे।